के साथ जो है थोड़ी सी देर मैं भी बैठ जाऊँ, है ठीक है, थोड़ी सी धुल मिट्टी मैं भी ले जाऊँगा अपने साथ से, है। तो क्या कहना चाहते हो आप? मेरा नाम अशोक अग्रवाल है, एडवोकेट। आपने पूछा ही नहीं थी देर से आप कौन है, क्या देखने आए हो यहाँ पर, है। सर ने अभी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, मुझे भी कल ही मालूम पड़ा है सर। अच्छा, मीटिंग थी तो उसमें बघेल साहब ने मेरे को बताया था। इन्होंने फरीदाबाद में 8 स्कूल की ग्रांट अभी सरकार से दिलवाई है। न्यूज़पेपर में जो आया था वही आपके बीच में यहाँ बैठ करके बैठे हुए बच्चों को वही बता रही थी कि वही केस होगा है ना, जो अखबार में भी आया था ना थोड़े दिन पहले, सर वही है। बच्चों, मैं चाहता हूँ इस देश का हर एक बच्चा, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, हर एक बच्चा स्कूल जाए और एक उसको बहुत अच्छी शिक्षा मिले। बच्चों के लिए है? नहीं है, कोई कोई कसर नहीं हो कि एक पैसे वाला इसलिए उसको ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिल रही है और एक गरीब का बच्चा है उसको जो है ना शिक्षा नहीं मिल रही है। आज हिंदुस्तान में करोड़ों बच्चे हैं जो स्कूल की व्यवस्था से ही बाहर है और जो सरकारी सिस्टम के अंदर है उनको जो जो मूल वो चाहिए सुविधाएं चाहिए है। अब ये तो मूल सुविधाएं ना कि आपको एक क्लासरूम चाहिए जिसमें पंखे लगे हो, जिसमें बिजली का लाइट हो, है, जिसमें हवादार हो, डेस्क प्रॉपर हो, ब्लैक बोर्ड हो, है, और टीचर हो, टीचर पढ़ाए भी, है। और आज कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या है, तो काफ़ी बुरी बात है ना। जैसी स्थिति में हम लोगों को ये सरकारें पढ़ा रही हैं, ये कोई पढ़ा थोड़ी रही है, ये तो टाइम पास कर रहे हैं, है? अभी तो बहुत तेज हवा चल पड़े थे, सारी मिट्टी जो है ना आपके कपड़ों में घुस जाएगी और सारा दिन हवा तो चलती है, धीरे चलती है तो धीरे धीरे घुस जाती है, है? और कई इससे बीमारी भी हो सकती है, इसमें मिट्टी में पता नहीं क्या क्या कीटाणु होते हैं जो हमारे जिस्म में घुस जाएंगे, स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, है? और जब महीनों महीनों ऐसे बैठना पड़े, कभी कोई एमरजेंसी हो बैठना हो तो चलो ठीक भी है, लेकिन अगर महीनों महीनों और फिर भी आगे भी ये नहीं पता हो कि हम कब तक बैठेंगे तो फिर तो बहुत मतलब दुख की बात है, है? तो आप लोग अपने मुख्यमंत्री से क्या कहोगे, हरियाणा के क्या कहना चाहोगे, जरा ऊँची आवाज़ में बोलो सारे के सारे, जरा आवाज़ नहीं आ रही आपकी, जरा तेज़ बोलो सब, सुनाई नहीं दिया क्या कहा, हाँ आपका कहना ये है कि कम से कम जरा तेजी बोलो, सभी बोलो, सभी बोलो, अरे सभी बोलो, चलो ठीक है ठीक है, चलो कोशिश करेंगे। देखो अभी हमने थोड़ा कुछ शुरू तो किया फरीदाबाद में।